साथ हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चटनी जो रायते में यूज होती है, जिससे हम रायता बनाते हैं। बाहर से हम अक्सर समोसे या पकोड़े मंगाते हैं, उसमें ये बड़ा अच्छा रायता आता है जिसको हम समोसे पकोड़े के साथ एंजॉय करते हैं। वो रायता बनाने की तरकीब मैं आज आपको बताऊंगी। हमने लिया यहाँ पे पुदीना 1 गट्ठी और हद जरूरत नमक, 7 से 8 हरी मिर्चें और लहसुन की जगह हैं 6 से 7 और हल्का थोड़ा सा जीरा। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लेंगे। ये देखें जी, मैंने सब चीज़ों को पीस लिया और ये कुछ इस तरह से चटनी बन गई है। अब इसको हम डायरेक्ट भी खा सकते हैं समोसे पकोड़े के साथ, और हम अगर रायता बनाना चाहते हैं तो इसको दही को अच्छी तरीके से फेंट के उसके अंदर 2 चम्मच मिक्स करके बहुत ही ज़बरदस्त रायता तैयार होता है। वो रायता भी आप बनाएं तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा दुआओं में, उसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा और ये वाली चटनी का भी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।